ये कहानी है एक व्यापारी की। एक बार एक राज्य में बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया और उस वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि राजा के खजाना बिल्कुल ही खाली हो गया था। तब वो राजा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था किस मुश्किल घड़ी में आखिर क्या किया जा सके। तब उस राजा ने अपने मंत्री से पूछे, इस मुसीबत में आखिर कौन हमें मदद करेगा। तब मंत्री ने उस राजा को एक व्यापारी के बारे में कहा। तब उस व्यापारी को राजा ने बुलाकर कहा, आप क्या हमें मदद कर सकते हैं। तब उस व्यापारी ने कहे, हाँ बिल्कुल, आप जितना चाहे उतना धन हमसे ले सकते हैं। तब राजा ने उस व्यापारी से पूछे, इस मुसीबत के अंदर जबकि सारे राज्यों में धन खाली हो गया है, आपके पास इतना सारा धन कहां से आया। तब उस व्यापारी ने कहा, राजा साहब, मैं टैक्स चोरी करना जानता हूं। आपके ही जितने टैक्स थे उसको बचाकर इतना पैसा इकट्ठा किया। तब राजा गुस्से से लाल होकर कहा, अरे तेरी इतना हिम्मत, तू टैक्स चोरी करता है। तब उस राजा ने उस व्यापारी को एक घोड़े की अस्तबल में भेज दिए थे, वो भी घोड़े की लीद साफ करने के लिए। सब कुछ सच सच कहने के बावजूद भी उसके साथ राजा ने ऐसा किया, लेकिन उस व्यापारी ने किसी से कोई भी शिकायत नहीं की थी। तब उस मुसीबत में भी संभावनाओं को बस वो ढूंढने लग गया था और ऐसे ही वो घोड़ों की लीद ही उठाता रहा। ऐसा करते करते एक साल बीत गया, लेकिन फिर से उस राजा की खजाना खाली हो गया था। तब राजा ने मंत्री से फिर से पूछा, मंत्री जी अब क्या किया जा सकता है। तब मंत्री ने कहा, फिर से उस व्यापारी को ही बुलाना पड़ेगा। तब राजा ने उस व्यापारी को बुलाकर कहा, खजाना तो फिर से खाली हो गया है, तो आप कोई मदद कर सकते हैं। तब उस व्यापारी ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तब राजा ने आश्चर्य होकर कहा, अरे इस बार कहां से तूने इतना धन इकट्ठा किया। तब उस व्यापारी ने कहा, राजा साहब, आपके सेनापति से लेकर सारे सेना भ्रष्टाचार थे और मैंने सारे भ्रष्टाचारियों को धमका कर कहा, मैं तुम सबकी पोल खोल दूंगा, मुझे सोने की मुद्राएं देते जाओ, वरना अंजाम तो तुम लोग जानते ही हो। और इस तरीके से ही हमने इतना सारा धन इकट्ठा किया। तब राजा ने अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाए और ये आदेश दिए कि उस व्यापारी को समुन्द्र के पास लेके जाओ, इसका काम कितने सारे जहाज रोज आ जा रहा है उसको सिर्फ गिनना होगा। इस बार भी उस व्यापारी ने किसी से भी कोई शिकायत नहीं की थी और समुद्र के किनारे जाकर अपना काम करने लग गए। ऐसे ही फिर से एक साल बीतने के बाद उस राजा का खजाना फिर से खाली हो गया था। तब राजा ने फिर से उस व्यापारी को बुलाने का आदेश दिया। तब राजा ने उस व्यापारी से पूछे, अरे इस बार क्या तू मुझे कुछ मदद कर सकता है। तब उस व्यापारी ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप पिछली बार से भी 4 गुना धन मुझसे ले सकते हैं। तब राजा ने कहा, अरे तू इस बार कहां से पैसा लाया। तब उस व्यापारी ने कहा, आप जहां पर मुझे भेजे थे मैंने देखा कि जहाज के लोग इधर का माल उधर कर रहा है। तब मैंने उन सब भ्रष्टाचारी कर्मकर्ताओं को कहा कि राजा ने मुझे ये सब देखने के लिए नियुक्त किया है, मुझको समय पे मेरा हिस्सा दो, वरना अंजाम तो तुम लोग जानते ही हो। और इस तरीके से ही मैंने इतने सारे धन इकट्ठा किया। दोस्तों, हम लोग हमारे जिंदगी में मुसीबतों में गिरने के बाद संभावनाओं को ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं करते हैं और हम लोग भगवान और अपनी किस्मत को ही बस कोसते रहते हैं। लेकिन इंसान आखिर सफल तब होते हैं जब वह मुसीबतों में भी जिंदगी के संभावनाओं को खोज कर जिंदगी की बाजी जीत जाते हैं। अपने जिंदगी की लाचार और बेबसी के समय पे आप क्या करेंगे वो तो आप पर ही निर्भर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।